हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए अगर रोज के काम आधे हो जाएं तो क्यों ना इन टिप्स का यूज किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप इस तरह के प्लास्टिक बैग को लेकर के। अक्सर हम लोग कोई कपड़ा लेने जाते हैं या गिफ्ट में हम लोग के इस तरह के जो बैग मिल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका कपड़ा अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद इस बैग को ऐसे ही उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन ये बैग बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए आपको बताती हूँ क्या करना है। जब भी आपको इस तरह का बैग मिले या आप लोग खरीद करके लाए तो इसको बेकार समझकर बिल्कुल भी ना फेंके। आप कपड़ों का अच्छे से यूज कर लीजिए, लेकिन इस बैग का भी हम लोग घर में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग के जरूरी कागज या बैंक की कॉपी वगैरह बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग को अच्छे से संभाल कर रखना होता है, लेकिन हम लोग इसको किसी भी पॉलीथीन में या किसी भी बैग वगैरह में ऐसे ही डाल देते हैं और ये कभी कभी चीजें आसानी से मिलती भी नहीं है। तो आप अपनी जितनी भी बैंक की या जरूरी कागजात हो उनको संभाल कर रखना हो तो आप इस तरह की बैग का यूज कर सकते हैं। ये फाइल के ऐसा होता है, बहुत ही सेफ होता है और काफी चीजें इसमें अच्छे से आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी जरूरी कागज हो, आधार कार्ड वगैरह या बैंक का कुछ जरूरी कागज हो, आप इस तरह से इस बैग में डाल दीजिए। इसमें काफी अच्छे से आ जाता है, कोई कागज मुड़ने का भी कोई डर नहीं रहता है और आराम से इसमें रखा भी रहता है। उसके बाद इसमें लॉक के लिए भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अच्छे से आप लॉक कर दीजिए, बिल्कुल भी खुलने का कोई चांस नहीं है। हो गया ना बहुत ही अच्छा सदुकार इस बैग का, जो हम लोग फालतू समझ करके फेंक देते थे। यहाँ पर देखिए, बैंक के जो जरूरी कागजात या जरूरी जो भी कागज हो आप इस तरह से इस बैग में रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। अलमारी में रखिए, ये कम स्पेस भी लेगा। अगली टिप मेरे यहाँ पे तुलसा के पेड़ को लेकर के। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब पेड़ लगाते हैं तुलसा के, उसमें कोई फंगस वगैरह कीड़े लगते हैं और वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, करीबन ये 15 दिन पुराना मैंने छोटा सा पौधा लगाया था तुलसा जी का, लेकिन ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये अच्छे से ग्रो करे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा गिलास से कम पानी लेना है। तो यहाँ मैंने एकदम साफ पानी ले लिया है आधा गिलास। उसके बाद आप चाहे कच्चा दूध डालें या बॉयल्ड दूध को आपको इस तरह से बराबर मात्रा में डाल देना है। फिर हम लोग के यहाँ पे करीबन आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालना है, जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं, और अच्छे से इसे दूध वाले पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन बनकर के तैयार हो गया है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें हल्दी की कोई गांठ ना रहे, पूरे दूध में हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से जब चम्मच से चला लेंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने पौधा लगाया है तुलसा जी का, ये जो भी और भी पौधे हैं जिसमें कीड़े लग गए हैं, ये फंगस वगैरह हो गए हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप इस पानी को थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो आपको करीबन 15 दिन में इस तरह से दूध में पानी मिक्स करके और हल्दी करके मिक्स करके तब इस पौधे में डालना। आप देखेंगे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और जो कीड़े लगने होते हैं या चींटी भी कभी कभी पेड़ में लग जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस तरह से आप पेड़ को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकती हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और कोई कीड़े भी नहीं लगेंगे। चलिए आपको दूसरा तुलसा जी का पौधा दिखाती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे हल्दी और दूध का पानी डाला था तो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी किया है। और एक चीज आपको क्या करना है, तुलसा जी अच्छे से ग्रो करें तो आपकी अगर छोटी तुलसा है उसमें इस तरह की मिजनी ऊपर, इस तरह के जो जड़ होती है ऊपर निकल आती है, तो आप इसको मिजनी को हटा दीजिए। ये मिजनी होती है जो तुलसा के पेड़ को ग्रो करने नहीं देती। इस तरह जब आप हटा देंगी तो जो तुलसा जी है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी और बहुत ही दिन में बहुत अच्छी फल फूल जाएंगी। ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह की बोतल को लेकर है जिसमें इस तरह का होल होता है। तो यहाँ पर आप चाहे नवरत्न की शीशी लीजिए या कोई भी इस तरह की बोतल ले लीजिए, बस आपको इसी तरह की बोतल का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसके कैप हटा देना है और यहाँ पे लेना है आपको हार्पिक। ये हार्पिक मैं अपने किचन में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा हार्पिक ले लिया है। आपको इस तरह से बोतल में थोड़ा सा हार्पिक ले लेना है और हार्पिक अच्छे से डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, आधी बोतल से कम लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इतना ही हार्पिक लिया है। उसके बाद इसमें एक चीज और ऐड करना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। बस यहाँ पे आधे चम्मच से कम मीठा वाला सोडा को डाल देना है। डालते ही एक्टिवेट होने लगता है, बबल्स इसमें छूटने लगते हैं। ये साफ आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहा होगा। बस यहाँ पे इतनी ही चीजें हम लोग को ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने छोटी बॉटल ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी डालते ही इसमें बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ उफाल मारने लगता है, तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही आप पानी इसमें डालेंगे ये ऊपर की तरफ आएगा, आपको तुरंत इसमें कैप अच्छे से लगा देना है। उसके बाद कैप लगाने के बाद आप उसको अच्छे से हिला दीजिए, जिससे अच्छे से तीनों चीजें मिक्स हो जाएं। हिलाने से थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन अभी मैं आपको कैप खोल के दिखाऊंगी, ये फिर इसकी ऊपर की तरफ उफाल मारेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बार बार आपको उसको खोलना नहीं है। खोल करके आप देख लीजिए, अच्छे से अगर जगह है तो इसमें और डाल सकती हैं पानी। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही डालना है। अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी बॉटल हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटी बॉटल था तो मैंने उसी का यूज किया है। अब चलिए आपको इस तरह से ढक्कन खोल के इसको कैसे यूज करना है। ढक्कन खोलते ही देखिए फिर से निकलने लगा।
उसके बाद आपको जाना है सीधे फ्लैश टैंक में, जैसे हम लोग के जैसे टॉयलेट में फ्लैश टैंक होता है बस उसी में हम लोग की बॉटल को डाल देना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घर में छोटे बच्चे हों या बड़े, बार बार अगर टॉयलेट को यूज करते हैं तो उसमें से बड़ी सी बैड स्मेल आने लगती है और हम लोग का टॉयलेट भी बहुत गंदा हो जाता है। हम लोग को रोज उसको साफ करना पड़ता है ताकि बहुत ही अच्छे से क्लीन रहे और कोई भी बैड स्मेल ना आए। आपको क्या करना है, इस तरह से फ्लैश टैंक में जो बॉटल हम लोगों ने तैयार करी है, जो भी सोल्यूशन तैयार किया है बॉटल में भर करके, आपको इस तरह से उल्टी करके डाल देना है, जो उसका छेद है वो नीचे पर नीचे रहे और अच्छे से जो सोल्यूशन हम लोग ने बनाया है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा, जब भी हम लोग फ्लैश टैंक को यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अच्छे से आपको फ्लैश टैंक का ढक्कन लगा देना है और फ्लैश स्टार्ट करते ही आप देखेंगे हम लोग के टॉयलेट से जो बैड स्मेल आ रही है वो तो पूरी तरह रिमूव होगी, और जो हम लोग ने हार्पिक यूज किया है उसकी वजह से बार बार भी अगर टॉयलेट को यूज करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो इस टिप को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आ रही है तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।